एक दादाजी बैठे थे और उनकी पोती कॉलेज जाने के लिए निकली छोटे कपड़े पहनकर, तो दादाजी से रहा नहीं गया। तो दादा ने बोला कि ये कौन से कपड़े पहनकर जा रही हो। तो पोती गुस्से में बोली कि सभी नियम हम लड़कियों पर क्यों लगाया जाता, हम बाहर जाए तो रोक टोक, कहीं और जाए तो रोक टोक, ये नियम लड़कों पर क्यों नहीं लगाया जाता। तो दादा चुपचाप हो गए और बोले कि आ मेरे पास बैठ, मैं बताता हूँ। तो पोती जाकर दादाजी के पास बैठ गई। दादाजी ने उससे बोला कि देख एक बात बता कि लोहे को कहाँ रखा जाता है। तो पोती ने बोला कि उसे कहीं भी रख दो, उसे कौन उठाता है। फिर पूछा दादाजी ने कि सोने को कहाँ रखा जाता है। तो पोती ने बोला कि तिजोरी में या किसी महफूज जगह पर। तो दादाजी ने बोला कि देख लड़के भी लोहे की तरह होते हैं, उन्हें कहीं भी रख दो उन्हें कोई नहीं उठाता, उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन लड़की एक सोने की तरह होती है, उन्हें एक महफूज जगह पर रखा जाता है ताकि उन्हें कोई देखे ना। रोक टोक इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें महफूज रखना पड़ता है, उनकी इज्जत बचाना पड़ता है। तो पोती चुप हो गई और घर में जाकर उधर से फिर आई पूरे कपड़े पहनकर। तब दादाजी की सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो प्लीज आप लोग इस नियम को पालन करें।